Meera, दरवाजा खोल। नहीं सुंदर, सुंदर प्लीज, मुझे नहीं जाना है। जाना पड़ेगा, खोल दरवाजा। इधर बैठी है। मुझे नहीं जाना है, सुंदर नहीं जाना। दादी, 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 मामा, प्लीज मामा को मत लेके जाओ दादी। दादी प्लीज। लेट जाओ, लेट जाओ। देखिए रोने से कोई फायदा नहीं है। क्या है? पहले पैसे। तो बताओ क्या है? लड़की। लड़की? जब देखो लड़की लड़की लड़की, कभी लड़के का सुख मत देखो। मैं निकल भाग, निकल भाग। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क 30 दिन 30 केसेस की श्रृंखला में आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। खुशी और गम, ये वो दो नाजुक पल होते हैं जिनमें इंसान सबसे ज्यादा इमोशनल होता है, और यही वो पल होते हैं जब एक इंसान आपका फायदा उठाने की कोशिश करता है। गम और दुख में मजबूर लोगों के लिए हमदर्दी के दो बोल ही बेहद बेशकीमती होते हैं। आप उसे फौरन अपना मान लेते हैं, लेकिन यही लोग आपका दोस्त बनकर आपकी पीठ पे खंजर भी फोंक सकते हैं। चार बार करवा चुके हैं, दिस कैन बी वेरी हार्मफुल। ए डॉक्टर, जब मीरा ही फॉर्म पर साइन कर देगी तो तुझे क्या दिक्कत है? हाँ पंडित जी, बहुत ही सुंदर लड़की है, मेरे बेटे सुंदर के लिए एकदम सही रहेगी ये। कुंडली जरूर मिलवा लीजिएगा, और आपने पता तो कर लिया ना कि उनके घर की औरतों को बेटे हुए हैं। देखिए इस बार मैं कोई धोखा नहीं खाना चाहती। ये आप क्या बात कर रही हैं मम्मी? अच्छा पंडित जी, आप देख लीजिएगा। हाँ रखती हूँ, नमस्ते। मैं अपने इकलौते बेटे सुंदर की दूसरी शादी करवा रही हूँ। मैं अब तक मरी नहीं हूँ। जिंदा रहकर भी किस काम की है तू? हाँ यार, मैं इस बार जान ले लेगी, एग्जाम में पास नहीं होने वाले हम। तू पास होगा, मेरी गारंटी। पेपर कैसे? पेपर लीक करवाने वाला हूँ मैं। अगर तेरे पास पैसा है ना तो बता। कितने? 25,000 और 5 ना एडवांस। हो गए तेरी शादी को, लेकिन आज तक एक पोता नहीं दिया तूने। अब इस घर को तेरी जरूरत नहीं है। मम्मी, मुझे अकेले डर लग रहा है, मेरे साथ सो ना मम्मी, आओ ना जल्दी। अब मुझे कोई डरा नहीं सकता। आन्या, बेटा मेडिसिन ले लूं? मुझे नहीं खाना। आन्या प्लीज मेडिसिन ले लो ना बेटा, प्लीज आन्या। अम्मा, आई जस्ट हेट दिस मेडिसिन। बेटा जीना है तो मेडिसिन खानी पड़ेंगी ना। मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना। अच्छा ऐसे नहीं, चलो चल। मम्मा के लिए खा लो प्लीज। प्लीज मेरा बेटा।
देखिए भी, ये मुझे पसंद है, बहुत सुंदर है ना? मम्मी, एक महीना, मुझे बस एक महीने का समय दे दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा क्या कर रही है एक महीने में तू? हाँ मम्मी, ये मेरा घर है। सुंदर, आप मेरे पति हैं, मेरी बच्ची के पिता, पत्नी हूँ आपकी, क्या आप मुझे एक महीने का समय भी नहीं दे सकते? आसपास चेक करो सर। पूजा? यस सर। मिश्रा, सर ये देखिए, गला दबाने के तो कोई निशान नहीं है, और सर कोई रेप के साइंस भी नहीं, बॉडी पे कोई इंजरी भी नहीं है, और अगर जहर दिया गया होता तो बॉडी पूरी नीली पड़ चुकी होती और मुझे झाग आता। हो सकता है कि कार्डियक अरेस्ट का केस हो। हो सकता है, लेकिन इस जंगल में ये अकेली औरत करने क्या आई होगी? और सर बिना पर्स, बिना मोबाइल के, आजकल कौन बिना मोबाइल के घर से निकलता है सर? पूजा जरा साइड में चेक करो, थोड़ा पलटो। सर मारपीटा के निशान लग रहा है सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसके फोटो भी सर्कुलेट कराओ। जी सर। सर यहाँ कुछ ही दूरी पे झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ तो हर दिन झगड़े होते हैं, हर दिन मार पिटाई होती है, पर इस औरत को देखकर लग नहीं रहा कि ये झुग्गी झोपड़ी वाली औरत है। सर ये इसके हाथ में कुछ बाल फंसे हुए मिले हैं, इसके नहीं लगते, छोटे बाल है सर, किसी आदमी के हो सकते हैं, फॉरेंसिक के लिए भेजो। जी सर। चलो ये तो बहुत ही बढ़िया है, तुम दोनों मिलकर कंप्यूटर का काम अच्छे से कर सकते हो। बिल्कुल माँ, वैसे भी मुझे एक अच्छे पार्टनर की जरूरत थी। दादी, दादी मम्मा आई क्या? अरे आंटी कौन है? अरे बेटा तू आ गई स्कूल से है? अरे चल 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 अंदर, इतना थक गई। अच्छा तुझे अंदर ले जाती हूँ, अच्छा खाना बनाया आज तेरे लिए, बहुत बढ़िया खाना। चुपचाप यहाँ पड़ी रहे, समझी? पर दादी आपने तो कहा था मम्मा 2-3 दिन में आ जाएंगे। मर गई तेरी अम्मा, अब तू यहाँ पर पड़ी रहे, समझी? मम्मा मैंने बाकी पुलिस स्टेशन में भी चेक किया, कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं है सर। सर सर इस बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसकी मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई जैसे हमें पहले लगा था, उसे साइनाइड देके मारा गया। उसने मरने से कुछ ही वक्त पहले एक मिठाई खाई थी जिसमें साइनाइड बहुत ही कम मात्रा में मौजूद था। इसका मतलब ये मर्डर है, और हो सकता है ये मर्डर उसके घर वालों ने ही किया हो, इसलिए तो उन्होंने इसकी मिसिंग कंप्लेंट नहीं की। शरीर पर कोई इंजरी भी नहीं थी और साइनाइड का बॉडी पर कोई असर दिखाई नहीं देता। सर मुमकिन तो है, लेकिन सर कोई साइनाइड क्यों देगा? सर आई मीन साइनाइड इतनी इजीली अवेलेबल भी नहीं होता।
उसने दो काम करने हैं। एक तो ये फोटो सर्कुलेट कराओ, इस औरत की आइडेंटिटी पता करनी है, और दूसरा जहाँ जहाँ इस एरिया में साइनाइड यूज होता है उनके एक लिस्ट बनाओ, वहाँ भी इसके बारे में पता करो। सर देख बेटा, मैं तो कहती हूँ तेरी शादी से पहले ही घर शिफ्ट कर लेते हैं। 100 तरह के लोग हैं, 100 बातें बनाएंगे। ठीक है, मैं कल ब्रोकर से बात करता हूँ। पुलिस कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ। पुलिस स्टेशन से? इस नंबर से कॉल किया था आपने? सारी गलती से लग गया होगा। ओके, ठीक है। पुलिस को फोन किया? पुलिस को फोन किया था? है? क्या हुआ? पुलिस में फोन किया था इसने। हे भगवान, ये लड़की तो सारे करे कराए पे पानी फेर देगी। मीरा त्यागी सुंदर त्यागी की वाइफ है। वो लोग नोएडा सेक्टर 62 में रहते हैं। और आपके यहाँ उनका ट्रीटमेंट चलता था? नहीं सर, मैंने 5 बार मीरा का एबॉर्शन किया था। 5 अबॉर्शंस? इसका मतलब गर्भ में पलने वाला बच्चा हमेशा लड़की थी। आपको पता है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन इलीगल है। सर ट्रस्ट मी, मैंने आज तक के मीरा के बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं किया था। वो कहीं बाहर से ही करवा के आते थे, और मेरे पास तो वो लोग उसे सिर्फ एबॉर्शन के लिए लाते थे, प्राइवेसी के लिए। और मीरा खुद कंसेंट फॉर्म पर साइन करती थी। मुझे पता था कि वो किसी दबाव में ही ये सब कर रही है। मैंने उन लोगों को बहुत मना किया, पर वो मानते ही नहीं थे। ए डॉक्टर, और वो लोग मीरा को बहुत टॉर्चर करते थे। ठीक है, फैमिली डिटेल्स लीजिए। जी देख सुधर जा, वरना अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर करवा दूंगा तुझे। रिया को मारने की कोशिश करी तूने? हमारे घर में सांप तूने भेजा था ना? सांप मैंने छोड़ा, इसका क्या प्रूफ है? हाँ, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे इल्जाम लगाने की? अरे 5 साल रहा हूं तेरे साथ, तुझे क्या लगा था मर्द के कपड़े पहन कर आएगी तो मैं पहचानूंगा नहीं? हाँ, सीसीटीवी पे पेंट मार देगी तो बच के निकल जाएगी। जितनी बेवकूफ पहली थी ना बीबी, उतनी बेवकूफ है। तेरी रिया कितनी डेढ़ शानी है ना, देख लिया है मैंने। उसने मेरा घर तोड़ा है, उसके साथ कुछ ना कुछ तो बुरा होना ही है। अरे बुरा हो नहीं रहा है, बुरा तू कर रही है जानबूझ के। अरे हो गया ना डिवोर्स, अब क्या करेगी? चाल लेगी मेरी? अब रिया ही मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी? वाह, कितनी आसानी से कह दिया कि हो गया डिवोर्स। किसकी वजह से हुआ डिवोर्स? तेरी और उस रिया की वजह से। मैंने तेरे लिए अपना घर बार माँ बाप वो सब छोड़ के आई इस अनजान शहर में, और तूने मुझे एक जवान लड़की के लिए छोड़ दिया। अरे नहीं थी तू पसंद, गलती हो गई थी तो उससे शादी कर ली। अब अगर मुझे मेरी पसंद की लड़की मिली है तो तुझे छोड़ूंगा ना? नहीं छोड़ूंगी, तुम तो रुको। मैं धमकी दे रही है मुझे? अरे तू क्या नहीं छोड़ेगी? अब तू देख मैं क्या करता हूं। अब मुंह मीठा करने की बात। अरे खोल मुंह। ये ले तू। नमस्कार। अरे वाह, फंक्शन चल रहा है। आप ही सुंदर त्यागी हैं, मीरा त्यागी के पति? जी, लेकिन बात क्या है? देखा मिश्रा, पत्नी को मरे अभी महीना भी नहीं हुआ और दूसरी शादी की तैयारी,
वाह क्या मीरा मर गई? सर ये तो बड़ी अच्छी एक्टिंग करता है, अवार्ड विनिंग। एक्सक्यूज मी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बताता हूँ कैसी बातें कर रहे हैं, कि आपके घर की बहू मर गई और आपने एक मिसिंग रिपोर्ट तक नहीं की, इसका मतलब है कि आप लोगों ने उसे मार डाला। बात आई समझ में? हमने ऐसा कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। सर उल्टा वो घर से रात में गहने चुरा करके भाग गई, मुझे लगा अपने यार के साथ भाग गई है, मेरी इज्जत जाती इसलिए मैंने रिपोर्ट नहीं लिखवाई। झूठ बोल रहे हैं आप, हमें अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों ने मीरा का कई बार अबॉर्शन कराया था लड़के की चाहत में, और जब वो लड़का पैदा नहीं कर पाई तो मार दिया बेचारी को। इंस्पेक्टर साहब आपको आधी अधूरी बात पता है, एक साल से मीरा के लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं थे, उसका यार जो वापस आ गया था कॉलेज से। मम्मी एक सर ये देखिए मीरा का फोन है, वेदांत के साथ इसका चक्कर चल रहा था सर, इसीलिए मैंने रिपोर्ट नहीं लिखवाई। हाँ मैंने मीरा का दो अबॉर्शन करवाया है, लेकिन मीरा खुद लड़का चाहती थी। सर मेरी एक बेटी है, मतलब मुझे बेटे से क्या परहेज हो? कुलक्षणी कहीं की अपने यार के साथ भागना था और इल्जाम सारा हमारे ऊपर लगा के चली गई। मम्मी आप शांत हो जाओ, आप काम क्या करते हैं? सर मेरा अपना खुद का सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी है। ये आपकी बेटी है? आ जाओ बेटा आ जाओ, डरो मत, आओ डरो मत बेटा। आपका नाम क्या है? सर पाखी नाम है सर। बेटा आपका हाथ कैसे टूट गया? अरे इंस्पेक्टर साहब बहुत उधमी बच्ची है ये, कूद रही थी गिर गई हाथ टूट गया। जी बेटा आपको पता है आपकी मम्मी कहाँ गई है? जाते वक्त उन्होंने कुछ बताया था आपको? आपके पापा आपकी मम्मी को मारते थे? हाँ बेटा आखिर माँ के जाने से अभी भी वो सदमे में, उससे कैसी बातें कर रहे हैं? और अगर मैं निधि से शादी कर रहा हूँ तो सिर्फ पाखी के लिए कर रहा हूँ, ताकि उसे अपनी माँ की कमी नहीं महसूस हो। और अब बात खुली गई है तो चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। सिंह गहनों की डिटेल ले लो सर। और ये रिपोर्ट आपको बहुत पहले करानी चाहिए थी सर। सर मिश्रा मुझे लगता है बच्ची काफी कुछ जानती है और उसे डराने के लिए उसका हाथ तोड़ा गया है। सर मुमकिन तो है, लेकिन ये सुंदर अपनी बीवी मीरा के अफेयर के बारे में काफी कॉन्फिडेंट था। हाँ हो सकता है कि मीरा का किसी के साथ अफेयर हो और इसलिए सुंदर ने अपनी पत्नी मीरा को मार डाला हो। इस सुंदर पर नजर रखो। और हाँ वो जो मीरा की हथेली में बाल मिले थे ना, वो जरा इस सुंदर के बालों से मैच कराओ। जी सर। और सर साइनाइड जनरली मेडिकल फील्ड वालों को आसानी से मिलता है, ये तो सॉफ्टवेयर वाला है। एक कंप्यूटर वाले भी बहुत तेज होते हैं। एक काम करो इसका मीडिया प्रोफाइल चेक करो और देखो इसने क्या क्या सर्च किया था, हो सकता है साइनाइड पाने के लिए इसने कोई झोल किया हो। सर ऐसे मुंह बंद करके रखना और अगर मुंह खोले तो हाथ तोड़ करके ठीक नहीं है। हमारे समाज में अमीरी और गरीबी को लेकर यूं तो बड़ा भेदभाव है, लेकिन जब बात बच्चों की आती है तो फिर दोनों ही वर्गों को लड़का चाहिए। क्या मीरा का कत्ल लड़का ना पैदा करने की वजह से किया गया? पुलिस के पास सुंदर सबसे बड़ा सस्पेक्ट था, लेकिन मीरा की अफेयर की बात करके उसने पुलिस को भी सकते में डाल दिया। अब देखना यह है कि पुलिस मीरा के उस बॉयफ्रेंड को ढूंढ निकाल पाती है या नहीं, और सचमुच कोई बॉयफ्रेंड है भी या नहीं। साइंस 80 करता हूं। हेलो। हाँ फाइनल ईयर का पेपर लीक हो जाएगा ना? हाँ मैं जुगाड़ कर रहा हूँ पैसे की। पापा I'm sorry, पापा। फेल होके मार्कशीट में मार्क्स बदल होता है, खबरदार अगर घर से बाहर निकला तो। मेरे जैसे टॉपर की ऐसी औलाद, कभी कभी तो ना मुझे तुम पर भी शक होता है। सर मीरा के मोबाइल रिकॉर्ड्स, उसकी ज्यादा लोगों से बातें नहीं हो रही थी,
सर जिस दिन उसका मर्डर हुआ वो फोन घर पर ही रखी गई थी। और डॉक्टर वेदांत? हाँ सर, उसकी डॉक्टर वेदांत से काफी बातें होती, कई बार उसके क्लिनिक भी गई। सर ऐसा लगता है कि उनकी दोस्ती से कुछ ज्यादा है। सर मैं और मीरा एक ही कॉलेज में थे, हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे, लेकिन सर मुझे स्टडीज के लिए यूएस जाना था तो हम दोनों की शादी अलग अलग जगह हो गई एंड वी मूव्ड ऑन। सर मैं यूएस में साइकेट्रिस्ट था, अपने डिवोर्स के बाद इंडिया वापस शिफ्ट हो गया और मीरा से मेरा कॉन्टेक्ट सोशल मीडिया पर हुआ था। तो इंडिया वापस आकर मीरा को वापस फंसाना चाहते थे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। मीरा मुझसे बात करती थी क्योंकि सर मैं साइकेट्रिस्ट था तो वो चाहती थी कि उसका पति सुंदर सुधर जाए, लेकिन सर एक डॉक्टर तभी किसी को ठीक कर सकता है जब वो खुद से ठीक होना चाहे। देखो डॉक्टर, हमारे पास वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तुम्हारी और मीरा दोनों की कॉल रिकॉर्ड चेक की है, तुम्हारी चैट वेट सब चेक कर लिए हमने, यहाँ तक कि तुम्हारे क्लिनिक का CCTV फुटेज भी देख डाला है हमने। क्यों डॉक्टर, बहुत अनकंफर्टेबल लग रहे हो? और जब आदमी अनकंफर्टेबल होता है तब सच बोलता है। अच्छा ये बताओ कि मीरा ने तुम्हारा प्रपोजल ठुकरा दिया और 15-20 दिन से तुमसे बात नहीं कर रही थी, उसके मार ही दिया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली सर मीरा डर गई थी कि डिवोर्स के बाद क्या होगा, तो मैंने उसे कहा कि मैं उसका हाथ थाम लूंगा। दैट्स इट सर, मैं तो सर बस उसे यकीन दिला रहा था कि मैं सच बोल रहा हूँ। और रही सर बात ना होने की, तो मीरा ने मुझे खुद कहा था कि वो कुछ दिनों के लिए बिजी है। हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई सर। वो क्या है ना, हम अपने प्राइम सस्पेक्ट की बात इतनी आसानी से नहीं मानते जब तक कि सबूत ना मिले। सर मैं प्राइम सस्पेक्ट हूँ, और सर वो मीरा का पति सुंदर जिसने उसे पहले भी मारने की कोशिश की, और सर ये बात मुझे मीरा ने खुद बताई थी। साली मेरी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती है? सर उस दिन पाखी ने मीरा को बचा लिया, क्योंकि अगर वो और ज्यादा शोर मचाती तो लोग आ जाते, इसलिए सुंदर ने मीरा को छोड़ दिया। अगर मीरा को सुंदर से इतनी ही तकलीफ थी और तुम उसका हाथ थामना चाहते थे तो फिर मीरा ने सुंदर को छोड़ा क्यों? सर मीरा मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती थी, क्योंकि सर स्टडीज के लिए मुझे यूएस जाना था तो मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया, और मीरा के पेरेंट्स भी जिंदा नहीं रहे, सुंदर के अलावा उसका कोई भी नहीं है। ठीक है, फिलहाल जा सकते हो, लेकिन शहर छोड़कर कहीं जाना नहीं, जरूरत पड़ी तो वापस आना पड़ेगा। ठीक है सर। निश्चित, हमारे केस में ये डॉक्टर ही ऐसा बंदा है जो साइनाइड आसानी से हासिल कर सकता है। इसकी भी मीडिया हिस्ट्री चेक करो। सर अंकल पैसा दो ना। पीछे जाओ फिर। माँ पैसा दो ना। बेटा भीख मांगना गलत बात है, अभी तुम्हारी पढ़ाई करने की उम्र है, कहाँ है तुम्हारे मम्मी पापा, बुलाओ उनको। ठीक है पैसे मत दे दो, खाना तो दे दो, बहुत भूख लग रही है। प्लीज मत मारो, छोड़ दो मुझे प्लीज। बीवी को तुम लोग समझते क्या हो? जब चाहे उसे पीट दिया, जब चाहे अबॉर्शन करा दिया, और जब चाहे जान से मार दिया। सर, मैंने नहीं मारा। अगर तूने नहीं मारा तो मीरा की हथेली में तेरे ये बाल कैसे मिले? DNA मैच हुआ है तेरा। सर मुझे नहीं पता है, मैंने मर्डर नहीं किया उसका। सर मैं उस रात सो रहा था जब वो सुबह निकल करके गई थी। सर अगर आप लोग चाहें तो सोसाइटी की CCTV फुटेज चेक कर लीजिए, मोबाइल की लोकेशन चेक कर लीजिए। सर क्यों नहीं मारा, यहीं अंदर रखो इसे। हेलो पूजा, चेक करो। यस सर। सर ये
स्लिप के तो कोई साइंस नहीं है, लेकिन सर पे जिस तरह से वार किया शायद कोई पत्थर या रॉड होगा सर। पर ये समझ में नहीं आता, ये औरत अकेली इतने सुनसान जंगल में कर क्या रही थी? सर, ये टूटा हुआ फोन मिला है, पर इसके अंदर सिम कार्ड नहीं है। इसे लैब में भेजो और इसके IMEI नंबर से इसके बायर का पता लगाओ, हो सकता है उसी से इसकी पहचान हो। ओके सर। सर, सर मंगलसूत्र कलेक्ट करो। सर शायद स्ट्रगल में टूट गया है, इसका मतलब ये औरत शादीशुदा थी। इसके फोटो सर्कुलेट करो और पता करो किसी ने इस औरत की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज किया क्या। प्लीज सर। सर उस बॉडी के पास जो फोन मिला था उसके IMEI नंबर से हमने उसके ओनर को ट्रैक कर लिया है। सर ओनर वो खुद औरत ही थी, माधुरी सिंह। सर उसने उस फोन की पेमेंट क्रेडिट कार्ड से की थी, जिससे उसके घर का पता चल गया है। उसकी कोई मिसिंग रिपोर्ट, उसके पति की कोई आइडेंटिटी मिली? सर पता किया, वो डिवोर्सी थी। डिवोर्सी? अंदर चेक करो। यस सर। सर सब कुछ खाली है, ना गहने ना जेवर कुछ नहीं है। और घर की हालत देख कर लग रहा है कि यहाँ तोड़फोड़ और चोरी दोनों हुई है। अंदर भी खाली है सर। एक काम करो, बाहर पड़ोसियों से पता करो इसके पति या फैमिली के बारे में। ओके सर। फोरेंसिक टीम से पूरे घर की अच्छे से चेकिंग कराओ। सर पड़ोसियों से पता किया पति का नाम महेश था, अभी इसी शहर में है लेकिन कुछ पता नहीं उसका। सर मैंने माधुरी के कॉल रिकॉर्ड अर्जेंट बेसिस पे मंगाए थे। सर ये देखिए, उसके कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो दो नंबर से बहुत ज़्यादा बात करती थी। कौन से दो नंबर? सर ये नंबर उसके एक्स हस्बैंड का है महेश का, और ये डॉक्टर वेदांत का। डॉक्टर वेदांत वो मीरा का दोस्त? जी सर, माधुरी ने अपने मर्डर से एक दिन पहले भी डॉक्टर वेदांत से बात की थी, ये देखिए। और इस माधुरी की लोकेशन क्या थी? सर लोकेशन रिकॉर्ड के मुताबिक मर्डर वाले दिन माधुरी सुबह 5 बजे घर से निकली थी। और ये मीरा भी तो अपने मर्डर वाले दिन सुबह ही सुबह निकली थी ना अपने घर से। जी सर। हाँ फिर ये कहाँ गई बताओ? सर फिर ये घर से यहाँ यमुना नदी के पास जो जंगल है वहाँ तक गई, फिर वहाँ से वापस अपने घर द्वारका की तरफ आई। हाँ। पर बीच में ही मुड़ के नोएडा की तरफ गई जहाँ में उसकी बॉडी मिली। हाँ हाँ, दोनों औरतों के पास अपना कोई व्हीकल था नहीं, फिर इन दोनों ने इतना लंबा सफ़र तय कैसे किया होगा? एक काम करो, एक टीम को इन सारे रूट्स की CCTV फुटेज चेक करने के लिए लगाओ। जी सर। माधुरी मेरी पेशेंट थी और मीरा मेरी दोस्त। सर माधुरी डाइवोर्स के बाद बहुत ही इंपल्सिव और बहुत ही हाइपर हो गई थी, कभी तो वो अपने पति को मार डालना चाहती थी और कभी रो पड़ती थी। और इसलिए तुमने उसका फायदा उठाया? कैसा फायदा सर? सर माधुरी खुद मेरे पास आई थी क्योंकि उसे मेरे पास सेफ फील होता था। इवन कि सर जब महेश ने उसके घर गुंडे भेजे थे उसे मारने के लिए, तो उसने सबसे पहले मुझे कॉल किया। प्लीज बचाओ मुझे, घर में दो लोग घुस आए हैं। और सर मुझे ही जाना पड़ा था उसे शांत करवाने के लिए। माधुरी, माधुरी दरवाजा खोलो। माधुरी मैं वेदांत हूँ, यहाँ कोई नहीं है। सर ये सब माधुरी के पति महेश का किया था, चाहे तो आप पता कर लीजिए। हमें मत सिखा, हमें क्या पता करना है, अपनी बात कर। मीरा को प्रपोज करता है, अपनी पेशेंट माधुरी के साथ सोता है, दोनों के साथ 2 टाइमिंग कर रहा था। माधुरी तो वैसे इंपल्सिव थी, दोनों को तेरे कैरेक्टर के बारे में पता चल गया इसलिए दोनों को मार दिया तूने। ये बता साइनाइड कहाँ से मिला? साइनाइड? सर आप क्या बोल रहे हैं सर, सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। सर माधुरी और मेरा तो ओपन रिलेशनशिप था, हम दोनों ही अकेले थे और अच्छे दोस्त भी थे, लाइक फ्रेंड्स विद बेनिफिट। सर फ्रेंड्स विद बेनिफिट, जब जेल जाएगा ना तो वहाँ बेनिफिट गिनना तू। हवालात में डालो इसे, फिर ये प्रॉफिट लॉस मार गिने। लेकिन मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। मिश्रा माधुरी के फोन की लास्ट लोकेशन इस डॉक्टर की लोकेशन से मैच करो। और वो माधुरी के पति का एड्रेस पता चला? सर अब तक नहीं। पता करो यार। जी सर। एक शख्स दो दो औरतों के साथ संबंध में और दोनों औरतें अपने पतियों से परेशान है, और फिर वो बेहद चालाकी के साथ उनके पति पर ही इल्जाम शिफ्ट कर देता है। माना सुंदर और महेश प्राइम सब्जेक्ट है, मगर कहीं डॉक्टर वेदांत औरतों के इलाज के बहाने
उनका इस्तेमाल तो नहीं कर रहा था। मुझे लगता है कि पुलिस को डॉक्टर वेदांत के बाकी मरीजों से भी पूछताछ करनी चाहिए। सर बहुत अच्छा हुआ वो मर गई, वरना हम में से किसी को मारने के जुर्म में जेल जा चुकी होती। मैं कोई पहला इंसान तो नहीं हूं ना जिसने डिवोर्स के बाद में दूसरी शादी करी है, मगर उस माधुरी ने हैरेस करके रखा हुआ था ऐसे सर। कभी घर पे कालित पोत दी, कभी पति चोर लिख दिया, और एक दिन हमारे घर में सांप छोड़ा था उसने। ओ, तो इसके लिए तुमने उसके घर गुंडे भेजे उसे मारने के लिए। अब झूठ मत बोलना, क्योंकि तुम लोगों की CDR रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। मारने के लिए नहीं, सिर्फ डराने के लिए भेजा था सर। सर मुझे अपनी और अपनी पत्नी की सिक्योरिटी तो देखनी पड़ेगी ना। ओ, तो आपकी पत्नी ने मार दिया होगा? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अब झूठ मत बोलिए रिया जी, हमने आपकी सारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स देखी हैं। जरा दिखाइए, ये आपका मंगलसूत्र माधुरी की डेड बॉडी के पास मिला था। सर रिया का मंगलसूत्र चोरी हो गया था, जिसकी वजह से हमने अपनी मेड गीता को काम से भी निकाला था। वाह, देखा क्या क्या कोइंसिडेंस होते हैं। लेके जाओ इन्हें। सर हमने क्या किया? जाओ। इसने हमने कुछ नहीं किया है सर। पता चलेगा क्या किया है क्या नहीं किया है। जरा पता करो मर्डर के टाइम ये लोग कहाँ थे, और ये APM रिपोर्ट का क्या हुआ? अभी नहीं आई सर। ये रिपोर्ट आए तो मर्डर के टाइम का तो पता चले। पोस्टमार्टम हो चुका है सर, लेकिन एक दिक्कत है, सारे डॉक्टर्स हड़ताल पे, कोई उनका सैलरी का इश्यू है सर, इसीलिए ऑफिशियली काम बाकी है सर। पूजा एक काम करो, तुम पर्सनली जाओ और रिक्वेस्ट करके देखो, शायद काम बन जाए। थैंक्स सर। हाँ दे दूंगा यार तेरे 5,000। अगर ड्रग के पैसे नहीं दिए तो ये लोग मार डालेंगे, और पेपर लीक करने के पैसे नहीं जुगाड़े तो पापा मार डालेंगे। क्या करूं मैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से माधुरी की मौत ब्रेन हैमरेज से हुई थी। सर पर 2 बार किसी भारी चीज से वार किया था सर। और एक बात सर, उसके हाथ में और हैंकी में घी के ट्रेसेस मिले जो मिठाई में होते हैं, लेकिन पेट में ऐसा कुछ नहीं मिला सर। तो हो सकता है हाथ में मिठाई वगैरह पकड़ी हो और कहीं गिर गई हो, नहीं खाई हो। हो सकता है सर, लेकिन डॉक्टर ने मुझे एक और केस के बारे में बताया। एक 12 साल की अनाथ भीख मांगने वाली बच्ची बबली, उसके पेट में साइनाइड और मिठाई दोनों के ट्रेसेस मिले सर। सर मीरा की मौत भी ऐसे ही हुई थी, लेकिन सर कोई एक भीख मांगने वाली लड़की को साइनाइड क्यों देगा? करेक्ट सर, कहीं ये मीरा और ये भीख मांगने वाली लड़की, इन दोनों के केसेस कनेक्टेड तो नहीं है? और माधुरी का मर्डर भी इसी सीरीज का एक हिस्सा हो, तो हो सकता है माधुरी के हाथ से मिठाई गिर गई हो जो इस बच्ची ने गलती से उठा के खा ली। ये जो भीख मांगने वाली लड़की है ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्लू साबित हो सकती है। पता करो ये कहाँ रहती है और कहाँ भीख मांगती थी, और ये भी पता करो कि ये माधुरी और मीरा, इन दोनों का फ़ोन वहाँ ट्रैवल हुआ था क्या? अगर ये केसेस सीरियल किलिंग के हैं तो ये सिलसिला यहाँ रुकने वाला नहीं है। पता करो जल्दी। जी सर। मीरा, माधुरी और उस छोटी बच्ची बबली के मर्डर के सिरे जोड़ने पर पुलिस को ऐसे 4 और केसेस मिले जहां लोगों की मौत साइनाइड पॉइजनिंग से हुई थी। ये सारी मौतें नोएडा में अलग अलग जगहों पर हुई, इसलिए इनके पुलिस स्टेशन भी अलग अलग थे। घरेलू हिंसा से शुरू हुआ ये केस अब एक बहुत बड़ा रूप ले चुका था। मामा, प्लीज, 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 अन्यो, अन्यो, क्या कर रही हो? मामा, मुझे नहीं जीना है। मामा, मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं होता, मुझे ऐसे कैंसर के साथ नहीं जीना। सर, ये दोनों मर्डर्स में वेदांत के अलावा हमारे पास एक और लिंक है, गीता। गीता हाउस हेल्प है सर, मीरा और रिया दोनों के यहाँ काम करती है। लेकिन रिया के पति महेश ने तो बताया था कि उन्होंने गीता को काम से निकाल दिया था चोरी के इल्जाम में। सर रिया का मंगलसूत्र चोरी हो गया था, जिसकी वजह से हमने अपनी मेड गीता को काम से भी निकाला था। हाँ सर, मेरी बात हुई थी रिया से। ये गीता को चोरी करने की आदत है सर, उसका पति भी बेरोजगार है, नशेड़ी है। और एक बात सर, गीता और माधुरी ये दोनों काफ़ी टच में थे सर, काफ़ी सारे कॉल्स एक्सचेंज हुए इनके बीच। बुलाओ इस गीता को, और हाँ गीता के घर की अच्छे से तलाशी लेना। वहाँ पे कुछ नहीं, अलमारी में सिर्फ कपड़े हैं मेरे। सर पैसे और ये गहने। साहब ये एक घर में काम करने वाली के पास इतना सारा कैश कहाँ से आया?
साहब, ये पैसे आस्था के हैं, चढ़ावे के। सीधे सीधे बता, वरना अगली बार ऑफिसर को रोकूंगा नहीं। सब मैंने महेश भैया और रिया की बातें सुन ली थी, और बिमला और सुंदर की भी। सबको बेटा चाहिए था, लोग भाइयों पर कहाँ ध्यान देते हैं साहब। फिर मैंने नाटक किया और माधुरी भाभी को सब बता दिया। उन्होंने मुझे पैसे दिए और मीरा दीदी ने भी अबॉर्शन के बाद मुझे पैसे दिए। तूने दोनों के बारे में भविष्यवाणी की, दोनों की मौत हो गई, मर्डर। तू ही आखिरी लिंक है। मैंने किसी को नहीं मारा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये लोग तो मुझे पैसे देते थे। और ये मीरा का झुमका, इसका क्या? ये मुझे घर में मिला था सफाई करते हुए, जब मीरा दीदी घर छोड़ के चली गई थी। पर इस माधुरी को उस रिया का मंगलसूत्र क्यों चाहिए था? वो मुझे नहीं पता साहब। माधुरी भाभी ने मुझे 5,000 रुपए दिए थे मंगलसूत्र लाने के लिए। जरा पता करो ये कहाँ कहाँ काम करती थी, सारी डिटेल्स निकालो और डालो इसे अंदर, अच्छे से सफाई करो इसकी। गीता की इतनी औकात नहीं है कि साइनाइड खरीद सके, और ना ही इसमें इतनी हिम्मत है कि सीरियल किलिंग करे। इस केस में दो लोग और दो बातें कॉमन है। दो लोग मतलब वेदांत और गीता, और दो बातें मिठाई और चोरी। राइट सर। सर, मीरा अपने घर पे चोरी करके अपना फ़ोन घर पे रखे बाहर निकली थी, और उसकी बॉडी हमें जंगल के पास मिली, और कुछ दिनों बाद माधुरी की बॉडी भी हमें उसी एरिया में। और वो सिग्नल के पास जो लड़की भीख मांगती थी, क्या नाम था उसका? बबली। जी सर। उसकी फुटेज आई? सर, हम फुटेज को शॉर्ट कर रहे हैं। जी सर। सर सर, ये देखिए, बबली जिस सिग्नल पे भीख मांगती थी वो आगे फुटेज। ओ, मीरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी लड्डू ही था ना? जी सर। इसका मतलब इस लड्डू में भी साइनाइड था, जो माधुरी ने इस बच्ची को दे दिया, जिसे खाकर वो मर गई। बेचारी बच्ची खमा खम्बली का बकरा बन गई। इसीलिए कातिल ने माधुरी को सर पे वार करके मारा, क्योंकि वो लड्डू उसने खाया नहीं। जीसा, इस ऑटो को आइडेंटिफाई करो, हो सकता है ये ऑटो वाला भी उसमें शामिल हो। इससे पहले किसी और की जान जाए, इसे पकड़ना होगा। जी सर। ये सत्या यादव, कॉपर प्लेटिंग कंपनी में इसी ने चोरी की थी सर। इसके घर से काफी सारा कैश भी बरामद किया हमने। साइनाइड चुराता है लोगों को मारने के लिए? औरतों को मारने में बहुत मजा आता है तुझे? नहीं साहब, मैंने नहीं चुराया, मैं उन दोनों को पहचानता भी नहीं साहब। बस पैसे लेके साइनाइड दिया था मैंने। किसे दिया था? मेरे दोस्त को, उसका नाम बाबू है, वो ऑटो रिक्शा चलाता है, अच्छे खासे पैसे देता है मुझे साहब। मैंने साइनाइड के बारे में पूछा क्या करते है, तो कुछ बताया नहीं। नंबर है उसका? हाँ। नंबर लो और नंबर को अभी सर्विलेंस पे डालो। जी सर। चल बे। चल। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आइए बैठो। चलिए भैया। सर, बाबूमान वो सत्या का दोस्त ऑटो ड्राइवर, सर उसकी मोबाइल की लोकेशन हिंडन नदी की तरफ मूव कर रही है, जहाँ माधुरी की बॉडी मिली थी। जी सर। जल्दी चलो, वो किसी और को मारने वाला है। नमन बेटा, तुम लोग वहाँ बाल्टी में पानी है, मुँह हाथ धो लो, मैं यहाँ पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। जी आंटी। चलो बेटा, आराम से। आज एक किस्सा और खत्म। शर्मा जल्दी। माँ मुझसे नहीं होगी ये पूजा, और मुझे पता है कोई फायदा भी नहीं। चप्पल उतार के इधर बैठो, इधर आओ। प्रसाद तो खा सकती हो ना? आंटी, पूजा से पहले प्रसाद? पक्का ना कुछ गड़बड़ नहीं होगी?
आपने बोला इस पूजा से मैं पास हो जाऊंगा आंटी। पक्का पास हो जाओगे, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। और देखना अन्या भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ट्रस्ट मी बोथ ऑफ यू। तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ माथा टेकना है और ये प्रसाद ले लो। ये लो। रुको रुको रुको, मिश्रा मिश्रा, इस ऑटो वालों को धरो, पकड़ा से। किधर है, किधर है, किधर है, बोल। ऊपर है, ऊपर है साहब, ऊपर है। चलो बच्चों, लड्डू मत खाना। बाबा देवी वाले झांसे में फंसाना चाह रही थी। उसने वो मीरा माधुरी और रिया के किस्से सुनाए मुझे, और ये सब कुछ सुन के मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने सोचा क्यों ना इन सब का फायदा उठाऊं। मुझे अन्या के इलाज के लिए पैसों की भी जरूरत थी, इसीलिए मैंने सबसे पहले मीरा और माधुरी को फंसाया। फिर मुझे इन लोगों को मारकर सच में अच्छा लगने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं ये दुनिया में कुड़कुड़ करने वाले लोगों को मुक्ति दिला रही हूँ उस दुनिया से। मुक्ति जैसे अपनी बेटी को देने वाली थी तो क्या करती? जिसके लिए ये सब कुछ कर रही थी वो तो खुद रोज रोती रहती थी, रोज स्क्रिप्ट करती थी कि माँ माँ मुझे नहीं जीना है, मैं मरना चाहती हूँ। मैंने सोचा ठीक है, जिसमें उसकी खुशी। और नमन को मानना जरूरी था क्योंकि उसने मुझे लोगों के साथ बात करते हुए सुन लिया था। फिर मैंने सोचा मेरे पास अच्छे खासे पैसे आ गए, इन दोनों को मारकर मैं कहीं बाहर निकल जाऊंगी और फिर अपनी लाइफ एंजॉय करूंगी। इस पूजा से मेरी बेटी का कैंसर तक ठीक हो गया, आप एक बार करके तो देखिए। ठीक है, एक महीने में पूरा रिजल्ट दिखेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि बाबा ना थोड़े स्ट्रिक्ट है, इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना तंत्र पूरा नहीं होता है। और सिर्फ दो चीज़ें साथ लानी है, घर के सारे गहने और जिसके ऊपर तंत्र करना है उसका कोई भी पर्सनल सामान, बस। मीरा अपने पति को सुधारना चाहती थी, माधुरी रिया को बर्बाद करना चाहती थी, और नमन उसे ऐसा लगा कि मैं ये पूजा पाठ करके लोगों की जिंदगी बदलती हूँ, इसलिए वो खुद ब खुद फंस गया। और ये साइनाइड वो कहाँ से अरेंज किया? बाबू मेरा ड्राइवर था, वो मेरे हालात जानता था। मैंने उसे अपना प्लान बताया और वो मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया। मैं अपना प्लान पहले से ही सबको बता देती थी कि उनको सुबह 4 से 5 बजे के करीब घर से अपने जेवर और सुहाग का जोड़ा लेकर निकलना है। फिर सिग्नल के आगे बाबू ऑटो रिक्शा में उन सबका वेट करता था, फिर वो उन लोगों को वहाँ से लेकर मेरे पास तक लाता था। मैं उन सब लोगों से कहती थी कि बाबा बाहर नहीं आते, वो अंदर ही रहते हैं। उन्हें शादी का जोड़ा और गहने पहनाकर पूजा के लिए बिठाती थी और उन्हें प्रसाद देकर घर जाने के लिए कहती थी। प्लान ये था कि वो लोग बाहर जाकर मरेंगे तो दुनिया वालों को लगेगा कि शायद हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। उसके बाद बाबू उनकी लाश को ठिकाने लगाता था और उनके जेवर और सामान लेकर वहां से निकल जाता था। लेकिन माधुरी ने तो तुम्हारा दिया हुआ वो साइनाइड वाला लड्डू वो खाया नहीं था, उस बच्ची को दे दिया था, तो फिर उस माधुरी को किसने मारा? उसके लिए हमारे पास प्लान पहले से ही था कि अगर कभी बीच में ऐसा कुछ हो जाए बाबू खुद उन्हें ठिकाने लगा देता था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अब सारी जिंदगी जेल में एंजॉय करना तुम। हमें कौन हक देता है दूसरों की जिंदगियों का फैसला करने का? क्यों हमें गुमान हो जाता है कि हम दूसरों से बेहतर हैं और हमारा तरीका ही सही है? इस केस में हर इंसान खुद को दूसरे इंसान की किस्मत का मालिक मान बैठा था। सुंदर और विमला मीरा को बच्चा पैदा करने की मशीन समझ बैठे थे, जो उनके इशारे पर उनके गोद में पोता दे दे। माधुरी अपने बदले की भावना से उबर नहीं पा रही थी, वो महेश और रिया को बर्बाद करना चाहती थी। नमन पढ़ाई पर ध्यान देने की बजाय पेपर लीक करने पर ज्यादा ध्यान दे रहा था और परिस्थितियों का फायदा उठा रहा था। इस केस से मुझे जो सबसे बड़ी सबक मिली वो ये कि सदियां बीत गई, हम चांद पर पहुंच गए, मंगल पर पहुंच गए, लेकिन आज भी हमारी समस्याएं वही हैं। हम खुद अपनी मर्जी से जीना तो चाहते हैं लेकिन दूसरों को उनकी मर्जी से जीने नहीं देते। याद रखिए, चाहे हमने किसी को खुद पैदा किया हो या ना किया हो, लेकिन किसी की जान लेने का हक हमें बिल्कुल नहीं है।
फिर हमारे पास चाहे उसे जस्टिफाई करने की कितनी भी वजहें क्यों ना हो। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।